बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। की हाल ने भरावान का? ठीक हो? सेहत भी है? ठीक है। दादे हरी आते होंगे हथियार ते औरत की खूबसूरती तो कदी ना मरी पुत्र, बल्कि तवज्जो इस गल ते करी। ये दोवें काम किंजदा करते हैं, हथियार ते औरत अगर नफा ते सुकून ना देन ते इन्हां दा बदल लैणा ही बेहतर है। अज दी वीडियो दा टॉपिक है जनाब डबल बोर राइफल। अब बड़िया भरावान ने कमेंटा सवाल किए हैं, भाजी दसो यह जी डबल बोर राइफल इन बारे कोई इनकी कोई इनफॉर्मेशन दे, वो कामयाब है कि नहीं, लैनी चाहिए है कि नहीं। अज की वीडियो इंशाला मैं तफसील ना तू इस राइफल बारे दसा। उस तो पहला तू मैं दसदा जावा जनाब इंटरनेशनल तौर पर भी जनाब मुख्तलिफ डबल जड़ा बोर राइफल चल दियाँ पे, यानी कि एक बोर की जी गोली है वो दूसरी राइफल फायर होंगे। मिसाल के तौर पर पहले नंबर पर जी मैं तुम्हें दसन लगा जी राइफल वो है जनाब 308 G3। 308 का जनाब जोड़ा राउंड है वह G3 चलता है, G3 का जनाब 308 चलता है, यानी कि तुम कह सकते हो जी डबल बोर राइफल इनू। तो दूसरे नंबर पर जनाब 223 5.56। बड़े पाकिस्तानी भरावान नहीं पता, वो आते हैं शायद ये दोवें इको गोली का ना है। नहीं पाई जी, 223 जिहड़ा एक लैदा बोर है तो 5.56 जिहड़ा वो एक लैदा बोर है, लेकिन कंपनी क्लेम यह करती है कि तुसी मसलन कि इन दोवें एक बोर दोवें जिहड़ियां गोलियां ने तुसी चला सकते हो। लो जी हुण गल करदे आं जिहड़ी साडी पाकिस्तान मेड जनाब डबल बैरल राइफल है, वह है जनाब 44 बोर तो कलाशन बोर। यह जनाब पाकिस्तानी पठान भरावान ने जनाब राइफल तैयार की है। इन जनाब 44 का फायर भी होंगे तो जनाब कलाशन का फायर भी होंगे। अलग हूँ मैं तुम दसा तो इनका फायदा तो नुकसान की है। फायदा तो भाई जी इनका एक ही है कि 44 तो कलाशन दोवे का फायर होंगे, नुकसान भाई जी इनके बहुते ने। गल हूँ मेरी थोड़ी तवज्जो ना सुने हूँ भाई जी, वेखो एक राइफल हूँ वो जिहड़ियां गोलियां ने ना इंटरनेशनल उन्हां च 19-20 का फर्क है, थोड़ा जिहा माइनर जिहा फर्क है, लेकिन कंपनियां आंदियां तुसीं चलाओ चलदियां ने राइफल। ठीक हूँ वेखो जी जिहड़ी 44 की गोली है छोटी है तो कलाशन की गोली की नस्बत काफ़ी मोटी है, एक तो मोटी तो दूजा छोटी, तो जिहड़ी कलाशन की गोली है जनाब वो लम्मी तो बरीक। 44 का फायर ठीक होवेगा, मसला बनता है जो जनाब कलाशन का फायर करना होंगे। हम वेखो ना जी एक गोली लम्मी है तो दूसरा जिसल असी चैंबर गोली चाढ़ी दी है ना तो जनाब गोली की सैडा तो खला हों, खाली जगह काफ़ी होंगी है क्योंकि गोली बरीक होंगी है। तो तू अक्सर पता है जो वेखो ना जी 30 बोर पिस्टल का अक्सर फायर करिए तो हथक वेखो स्पैशल जी बैरल होंगी है 30 बोर की, ये मसल कि 30 बोर की गोली वास्ते वे एक स्पैशल सांचा होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी खोखा अक्सर फुलदा है। कलाशन नाल भी इंजी है जनाब, कलाशन दियां भी अक्सर मसलन तुसां राइफल वेखियां होनियां खोखा फुला जांदियां ने या गोली हौली या जिवें भी करके, तो भाई जी जिहड़ी विच गोली है ही आजाद वह सोचो की नुकसान करेगी। आ तुसां अक्सर वेख्या होना जो फायर चलाइए ना तो अक्सर इंज हुंदा जनाब जिहड़ा पिछला छोटा पटाका हुंदा ना गोली दे मगरले बन्ने उहदे जनाब सूई जिन्ना भी सुराख हो जाए ना तो जनाब इन्ना प्रेशर लीक होंगे अक्सर औकात इंज होंगे कि जी जनाब मैं तुम्हें कलैशन का दसदा पाया छोटे बुलेट के होंगी जनाब फायर पेन, इन्ना प्रेशर होंगे जनाब धक् छड़ फायर पेन भी पिछा मगर कट छड़ बाहर बन्ने आ जाती जनाब इन्ना प्रेशर होंगे। वो वेखो ना जिसल फायर होंगे ना जनाब तो जी गोली फुलदी है झटके ना फुलदी है तो जी माठी राइफल होंगी ना जनाब वो उत फटती है, राइफल भी फिटदी है जनाब तो तुहाडा नाल जनाब वत भी जांदा है। तो इस करके भाई मेरे कोशिश करो चंगीआं राइफलां लवो ए जुगाड़ वाले पासे ना जावो। हुण मेथों पुछो दिना तो मैं भाई जी 44 का फैन बिल्कुल भी नहीं, अगर जनाब तुसी एक 44 राइफल रखोगे तो ना रखोगे डबल बोर राइफल तो मैं आखांगा भाई जी 44 लो, ओए उहदे नालों 44 फिर भी 100 गुणा चंगी है। हालां हुण कुछ भरावां ने सवाल किया सी भाई जी डबल बोर तो डबल बाडी इन्हों का फर्क भी दसो। डबल बोर जो हूँ मैं तुम्हें दसिया तफसील नाल कि एक बोर विच दो बोर किए होंगे, यानी कि एक बैरल दो बोर किए होंगे, तो डबल बाडी की है जनाब
कि जिहड़ी डबल बाडी रैफल है ना वह मोटी चादर होंदी है ते जिहड़ी रैफल का वजन है वह तकरीबन 3.5-4 किलो वजन होंदा रैफल का बगैर गोलियां तो। तो जिहड़ी डबल बाडी होंदी है वह इस करके होंदी है अगर खुदा ना खास्ता रैफल तुसीं सटदे हो रैफल ते वजन पैंदा इहनू नुकसान कोई नहीं होंदा। लेकिन जिहड़ी सिंगल बाडी है ना वह जनाब वह थोड़ी जी लाइट वेट होंदी है 2 या 2.5 किलो का वजन होंदा तो जनाब कैरी करन च आसानी होंदी है। लेकिन उन्दे च थोड़ा जिहा डाउट ही होंदा कि वजनी शायद तुसीं नहीं रख सकते। बाकी अगर तुसीं तुहाडे कोल रैफल डिगदी है तो वह भी जनाब फिर मसला बनाउंदी है जिहड़ी सिंगल बाडी रैफल है। तो बाकी जिहड़ा बैरल है वह तकरीबन दोवां दी इक्को जिही होंदी है, फायर करन दी कपैसिटी भी तकरीबन दोवां दी इक्को जिही होंदी है। बाकी उम्मीद है भाई जी समझ गए हो दे जिन्हियां गल्लां मैं तुहानूं दस्सियां। हुण वेखो ना जी जदों किधरे पिड़ पैंदा ना पता उदों लगदा है, उदों बंदा आंदा यार काश मैं कोई चंगी रैफल ले लैंदा तो मेरी अज कंड ते ना लगदी। इस करके भाई जी रैफल चंगी लवो, चाहे देसी लवो चाहे वलैती लवो, हथियार चंगा रखो तो रेडी टू फायर रखो। ये नहीं कि मसलन कि तुसां रखिया तुहानूं परत के साफ ही नहीं किया, बैरल शैल साफ करो, महीने चेक करा उन्होंने जनाब अच्छे तरीके नाल तेल लावो ते तेल हमेशा इनू मसलन कि सफाई उस जगह पर करो जिथे तुहाडे नज़दीक कोई ना हो। अक्सर औकात तुसां वेख्या सफाई करदे आ फायर हो जांदा है, बंदे नूं पता ही नहीं होंदा, बेवकूफ़ी नहीं करनी, मैगजीन कढ़ के उस तो बाद सफाई करनी है। जिहड़ा हथियार इहदा जनाब कोई मजाक नहीं होंदा। बाकी जी अज की वीडियो तुहानूं किंज दी लगी है कमेंटां च लाजमी दस्सिया जी। इस वीडियो मतलब अगर तुहाडे ज़हन च कोई सवाल है वह भी लाजमी पुछो, इंशाल्लाह मैं तुहाडे हर सवाल का जवाब देवांगा। इजाजत दिओ जी, मिलते हैं जी किसी होर इनफॉर्मेटिव वीडियो च। अल्लाह नेकी।